तेरा मेरा रक्षाबंधन। जवाब दे। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। चुप। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तूने क्या किया है। तूने अपना बच्चा कनक जी को क्यों सौंपा? तू पहले ही इतना सब कुछ सह चुकी है भाई साहब। मैं नहीं चाहती कि अब वो और दुखों से गुजरे। पहले ही समाज ने उन्हें पांच बुलाए और अब मरा हुए बच्चे का ताना देती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तू अपने बारे में सोचे तूने? मुझे अपनी परवाह ना है। इतना कुछ सहा है कनक भाभी साहब ने, अब और आंसू नहीं देख सकती उनकी आंखों में। मैंने तय कर लिया है, भगवान उनको उनके हिस्से की खुशियां दे ना दे, पर मैं अपनी भाभी साहब को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और अब उनकी खुशियों के बीच कोई नहीं आ सकता। सुन, तू चल मेरे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं खुद तेरा बच्चा तेरी गोद में रखूंगा। देख, मैं जानता हूँ कनक जी को तकलीफ होगी, उनको दर्द होगा, लेकिन मैं समझा दूंगा उनको। अरे चिंता मत कर, मैं देख लूंगा कनक जी को। नहीं 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 भाई साहब, मैंने फैसला कर लिया है। अरे ये गलत है रसाल, मेरी बात को ध्यान से सुन। ये तो गलत कर रही है, वो तेरा बच्चा है, तूने उसको जन्मा है, तू उसकी माँ है, तू ऐसा नहीं कर सकती। देख, कनक जी को मैं संभाल लूंगा, मैं उनको समझा लूंगा, चल मेरे साथ। अच्छा चल। नहीं भाई साहब, आप उनसे कुछ ना कहेंगे, आपको मेरी सो। कोई उनसे कुछ ना कहेगा, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो उनका अपना चलता। कुछ करना पड़ेगा, भाग यहां से, चल चल। आग तुम्हारे कमरे की तरफ आ रही, तुम बाहर गई तो मेरा राज खुल जाएगा और अंदर नहीं तो घुट के मर जाऊंगी। अगर आपको जैसा लगता है तो उस हिसाब से इन्हें उल्टे पैर वापस आ जाना चाहिए। अब भी देखते हैं ना, कैसे भी करके बाहर तो निकलना पड़ेगा। वाह वाह यशोदा देवी, वाह, ये वेड़ा बात। आज आपके साथ साथ आपका सच भी दौड़ता हुआ बाहर आ गया। बहुत नौटंकी कर ली आपने, अब आप ऐसा करके और बच नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने आपको भागता हुआ देख लिया। शिवा ने क्या किया? शिवा ने मारे कमरे में धुआं छोड़ दिया था कि घुट के मैं मर जाऊं। वो तो डर के मारे मारे पैर काम करने लगे और मैं बाहर आ गई और देख मारे गले में आवाज भी आ गई। और कितना झूठ बोलेंगी आप मासा? कब तक? अरे अब बस भी कीजिए। चाल तो उल्टी पड़ गई, ये करूं कैसे, बात संभालूं? दूर इधर क्यों आ रही हैं आप मेरे पास? मेरे बच्चे से दूर रहिए। सारा बच्चा ना ये। हाँ मतलब क्या बोल रही हैं ये? जिसे तू अपना बच्चा समझ के गोद में ले रखती है ना, वो रसाल का बच्चा है।